सो हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे कुंदरू की एकदम नई रेसिपी। और ये खाने के बाद आप कभी भी कुंदरू को अलग तरीके से नहीं बनाएंगे, सेम तरीके से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुंदरू को अच्छे से धो लिया था। अब हम कुंदरू को नक्कों से काट लेंगे। देखिए, दोनों तरफ से हम नक्कू को इस तरह से काट कर अलग कर देंगे। अब ये देखिए, बीच से कट लगाएंगे और एक कुंदरू में से चार पीसेस इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो हमें सभी के सभी कुंदरू काट कर इसी तरह से निकाल लेने हैं। जो कुंदरू आपको ज़्यादा लाल दिखे या फिर पक गए हैं, उन्हें हटा दीजिएगा। हल्के पिंक हो गए जो कुंदरू होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनकी भी आप सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए, हमने सारे के सारे कुंदरू जो है काट लिए हैं और कुंदरू हमारे कट के रेडी हो गए हैं। अब कुंदरू को रख देते हैं साइड में और लेते हैं कढ़ाई। तो कढ़ाई में तकरीबन 100 ml हमने लेना है तेल। और जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हमने जो कुंदरू काट के रखे थे वो सारे कुंदरू डाल देंगे कढ़ाई में। और इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि कुंदरू जो है अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। तो ये देखिए, कुंदरू को इसी तरह से मीडियम आंच पर आपको चलाते हुए पका लेना है। ध्यान रखिए कि कुंदरू बिल्कुल भी लगे ना और जले ना। तो यहाँ पर इसी तरह से मीडियम आंच पर हम पकाते रहेंगे। और जब तक हमारे कुंदरू पक रहे हैं, तब तक ले लेते हैं हम आलू। तो यहाँ पर मैं 4 आलू का यूज़ कर रही हूँ। और आलू को इस तरह से काट लेना है। सभी आलूओं को इसी तरह से हमें काटना है। एक आलू में से 2 पीसेस करने हैं, फिर इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस निकाल लेने हैं। ध्यान रखिए, ये ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए। इक्वल साइज़ में हम सभी आलूओं को काट लेंगे। देख रहे ना आप, इसी तरह से आलू को काट कर हम अलग करके रख लेंगे। आलू को हम पानी में डिप करके रखेंगे, जिससे कि आलू जो है हमारे काले ना पड़े। अब हमने लिए हैं यहाँ पर प्याज। तो ये छोटे साइज़ के प्याज हैं और ये 4 से 5 प्याज हैं। इन प्याज को हम इस तरह से काटने के बाद बीच से चीरा लगाएंगे। देखिए, एक ही चीरा लगाना है, ज़्यादा चीरा इसमें नहीं लगाना है। सभी प्याज में बीच से मैंने कट लगा कर सभी प्याजों को साइड में रख दिया है। यह स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए हमें 2 हरी मिर्च चाहिए। आप हमारी देख लेते हैं कुंदरू। तो देखिए, कुंदरू जो है हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं। बहुत अच्छे से हमारे जो कुंदरू है वो गल चुके हैं। और जो कुंदरू है तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। तो अब कुंदरू को निकाल देंगे और सेम कढ़ाई में हम डाल देंगे आलू। जो आलू हमने पहले से रखे हुए थे काट के, उन आलू को हम डाल कर तब तक पका लेंगे जब तक कि जो आलू है क्रिस्पी क्रंची और पक ना जाए। तो आलू यहाँ पर आपको करारे फ्राई करने हैं, क्रिस्पी से फ्राई करने हैं। और इसी तरह से आपको चलाते हुए पकाना है। ध्यान रखिए कि आलू भी हमारे जलने नहीं चाहिए। ये देखिए, हमें क्रिस्पी और करारे आलू फ्राई करने हैं। तो आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बहुत अच्छे से आलू हमारे पक चुके हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो आलू हमने निकाल लिए हैं। अब ले रहे हैं हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने लिया है तकरीबन 20 ml के आसपास तेल। तेल में डाला है 1 पिंच हींग। और हींग डालने के बाद हम डाल रहे हैं इसमें जीरा, तकरीबन 1 चम्मच। अभी देखिए, जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज काट के रखे हुए थे वो, और साथ में हरी मिर्च। अब इनको तब तक पकाना है जब तक कि जो प्याज है हमारी ट्रांसपेरेंट रंग की ना हो जाए, यानी कि जो प्याज का रंग है वो चेंज ना हो जाए। तो देखिए, जो प्याज है अब खिलनी शुरू हो जाती है। इसमें जो प्याज की कलियां हैं अलग होनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच हमें क्या डाल देना है, इसमें लहसुन। तो यहाँ पर बड़े साइज़ का लहसुन है। इस लहसुन को मैंने बीच से छोटे छोटे इसमें कट लगा लिए थे। और ये कट लगाने के बाद हम साबुत लहसुन इसमें डाल रहे हैं। यकीन मानिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है अगर आप इसी तरह से इसे बनाते हैं तो। अब आप देख रहे हैं जो प्याज हैं, इसकी कलियां आप देख रहे हैं ना, सारी निकल चुकी हैं। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट होनी शुरू हो गई है। कितना अच्छा कलर हमारा आ रहा है सब्जी में। और जो प्याज है हमारी अच्छे से भून चुकी है। हमें तकरीबन 1 मिनट तक और भूनना है इसे। अब हमने प्याज वगैरह सब भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे कुंदरू और आलू। दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। डालने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम सबसे पहले ले रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ले रहे हैं हम लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं हम, नमक स्वाद अनुसार, 2 चम्मच भर कर ले रहे हैं हम सूखा हरा धनिया पाउडर। और इन सभी मसालों को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। इस सब्जी को बनाने के लिए पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सूखी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, जिसे कि खाने का बहुत ही ज़्यादा मन होता है। आप 1 रोटी की जगह आप 3-4 रोटियां खा जाओगे अगर ये सब्जी बनाते हैं तो।
तकरीबन 2 मिनट तक हम इसी तरह से इसे मिला लेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाए, जो सब्जी है हमारी अच्छे से उन पर मसालों की कोटिंग हो जाए। तो देख रहे हैं आप, आलू और कुंदरू अलग अलग आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल भी चिपचिपी सब्जी नहीं बनती है ये। और ये देखिए, अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच भर कर अमचूर पाउडर, साथ में हम डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, और आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं गरम मसाले की जगह पर, उससे भी इस सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए, हमने 1 चम्मच डाल दिया है इसमें पाव भाजी मसाला, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखिए, ये सब्जी जो है सूखी सब्जी है, अगर आप इस सब्जी को तेज़ आंच पर बनाएंगे तो ये सब्जी जल जाती है, तो इसीलिए इसे सेम आंच पर पकाइएगा। और यकीन मानिए, जो ये आलू और कुंदरू की सब्जी है, ये बच्चों को इतनी पसंद आती है कि बच्चे तो इसे खुश होकर खाते हैं। इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए ढककर हम रख देंगे, और ये देखिए उसके बाद हम इसका ढक्कन हटा के देखते हैं, तो देखिए सब्जी हमारी रेडी है। अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और इसे एक बार और पलट लेंगे, अच्छे से इसे टॉस कर लेंगे, तो सब्जी रेडी है। चलो कर लेते हैं अब इसे सर्व। आप चाहें तो इसे हरा धनिया स्प्रिंकल करके या साथ में लेमन यानी कि नींबू भी इस पर निचोड़ कर खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म ये सब्जी आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ और या पराठे के साथ खा सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करें।